भाजपा नेता एवं समाज सेवी सीडू कुशवाहा बने जिला महामंत्री। यूपी के जनपद औरैया की कस्बा बेला के सक्रिय भाजपा नेता एवं समाज सेवी सीडू कुशवाहा को भाजपा युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से लाद दिया। बेला कस्बा के SB मैरिज हॉल में आयोजित एक समारोह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो जिला अध्यक्ष मोनू सिंह सेंगर द्वारा सीडू कुशवाहा को भाजयुमो का जिला महामंत्री बनाए जाने पर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीडू कुशवाहा ने कहा कि पार्टी ने जो उन्हें दायित्व सौंपा है उसका वे तन मन धन से निर्वाह करेंगे। इस मौके पर सीडू कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं को गाँव गाँव घर घर जाकर प्रचार करें। उन्होंने बताया कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में सभी वर्गों के लिए बराबरी से कार्य की है। शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते देखे गए हैं। सीडू कुशवाहा ने कहा कि विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और COVID-19 नियंत्रण में किए गए अभूतपूर्व योगदान की वजह से जनता उन्हें 2022 में पुनः सत्ता सौंपने के लिए बेताबे। उन्होंने कहा कि 2022 में भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर भाजपा के युवा कार्यकर्ता अक्कू ठाकुर, डंपी सिंगर, आशीष राजावत, कुलदीप कुशवाहा, संदीप नकुल, संजय सविता, अंकित प्रजापति आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। देखे बेला से संजीव कुमार शुक्ला की ये रिपोर्ट। शीलू भैया, आज आपको भाजयुमो का जिला महामंत्री बनाया गया है, इस संबंध में आप दो शब्द कहें। पहले तो हम अपने से बड़ों के मस्तक पर सर झुकाकर नमन करते हैं और छोटे भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं। मैं क्षेत्रीय नेतृत्व एवं जिला नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है इसकी मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करूंगा और आगे इन्हीं छोटे भाइयों की लगन और निष्ठा से 2022 की तैयारी की चुनाव की तैयारी करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।